السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح ہے 18واں پارہ خلف المؤمنون جس میں سورہ مومنون کی 118 آیتیں سورہ نور کی 64 آیتیں سورہ فرقان کی 20 آیتیں مکمل 202 آیتوں کی تلاوت. अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है आज की तिलावत को और उसके सुनने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए. पारे के इब्तिदा में अल्लाह तआला ने यह बताया जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक कौन है. जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंची जन्नत है. इसी जन्नत से सारी नहरें बहती हैं. इसी जन्नत के ऊपर अल्लाह का अर्श है. इसमें जाने वाले कौन हैं? तो अल्लाह तआला ने उनकी सिफतें बयान फरमाई. सबसे पहले ईमान वाले होते हैं, उनका ईमान मुकम्मल होता है. दूसरी सिफत यह बताई गई कि अपने नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करने वाले. खुशू और खुजू क्या है? दिल इबादत में लगना, जिस्म के आज़ा पूरी तरह इबादत में मुनहमिक हो जाना, ख्याल इधर उधर नहीं बहकना चाहिए. तीसरी सिफत यह बताई गई बेकार चीजों से दूर रहते हैं. चौथी सिफत यह बताई गई ज़कात के पाबंद होते हैं. साल में एक मरतबा जब माल या ज़ेवरात निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात निकालना फर्ज है. उसके बाद बताया गया अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं. शादी ब्याह करके जिंदगी पाक दामनी का एक नमूना पेश करते हैं अल्लाह के नेक बंदे. उसके बाद बताया गया अपने अमानतों के अंदर, वादों के अंदर कायम रहते हैं. अमानत में खयानत नहीं करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं. और आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं वो नमाज के पाबंद होते हैं. पहले अल्लाह ने यह कहा कि नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं और आखिरी सिफत यह बयान करते हैं नमाज के पाबंद होते हैं. ये नमाज के बाद दूसरे नमाज का एहतमाम करके उसे अदा करने की हमेशा फिक्र रहती है. तो जिनके अंदर ये सारी सिफतें पाई जाए तो अल्लाह ताला कहते उलाइकुमुल वारिसून, यही वारिस हैं फिरदौस के. हुम फिया खालिदून, उसके अंदर हमेशा हमेशा रहे. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए. इसके बाद अल्लाह ताला ने माँ के पेट के अंदर बच्चे की पैदाइश होती है वो अल्लाह की कुदरत है, कारीगरी है. तो अल्लाह ताला का फरमान है हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया. आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया. उसके बाद इंसान की आबादी पानी के खतरे से होती है. पानी का खतरा माँ के पेट में 40 दिन तक रहता है. उसके बाद वही खतरा खून का जमा हुआ हिस्सा होता है, जमा हुआ खून होता है ये 40 दिन. उसके बाद वही जमा हुआ खून गोश्त का टुकड़ा होता है 40 दिन. ये 120 दिन तक ये अल्लाह की कारीगरी है. अल्लाह का फरिश्ता आता है, उसके अंदर रूह डालता है, उसकी होली कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, क्या अमल करेगा, दुनिया में अच्छा होगा बुरा होगा, ये चार बातें लिखे चला जाता है. तो अल्लाह ताला कहते हैं इसी गोश्त के टुकड़े के अंदर हम हड्डियां बनाते हैं. हड्डियों के ऊपर फिर अल्लाह ताला चमड़ा कायम करते हैं.
فتبارك الله احسن الخالقين, अल्लाह ताला बरकत वाला है, बेहतरीन खालिक है, कारीगर है, पैदा करने वाला है। इसी आयत को पढ़कर कई सईदा मुसलमान हो गए, कई डॉक्टरों ने कहा यह जो बात बताई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बता सकता। चंद जाहिलों ने कहा हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत का पेट फाड़ के देखा होगा, इसीलिए उन्होंने बयान किया। ये कैसे हो सकता है? ये सरासर क्या है? आप पर बोहतान है, इल्जाम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती पानी में चलने लगी तो अल्लाह ताला ने उसे कहा फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़ाना मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन, कि तुम कश्ती में सवार होकर कश्ती चल रही है, अल्लाह की तारीफ बयान करो कि अल्लाह ताला हमको नजात दिलाया ज़ालिम क़ौम से, नाफरमान क़ौम डूब गई, अल्लाह ताला तुमको कश्ती में सही सालिम रखा, अल्लाह की तारीफ बयान करो। फिर अल्लाह ताला ने कहा यह भी दुआ करो कश्ती से अच्छे अंदाज में उतारे, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन उतारने वाला है। पानी जब सूख गया कश्ती कहाँ टहेगी? पहाड़ के ऊपर। ये अल्लाह की कुदरत है। उसके भी कई सबब बताए गए, क्योंकि पानी के अंदर जो लाशें पड़ी हुई थी, बदबूदार थी, वो साफ होना था, इसलिए अल्लाह ताला ने कश्ती को पहाड़ के ऊपर रखा। जब जमीन पूरी पाक हो गई नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे, फिर इंसान की आबादी शुरू हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह कहा दुनिया के अंदर जितने पैगंबर आए अल्लाह ताला ने उनको यह हुक्म दिया हलाल चीजें खाओ, नेक अमल करो। हलाल खाने से अल्लाह के नजदीक अमल कबूल होता है। हलाल शर्त है दुआ के लिए, इबादत के लिए हलाल शर्त है, क्योंकि हलाल खाने के बाद जो हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह के नजदीक कबूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक आदमी सफर के लिए निकला, उसके बाल बड़ा गंदा है, कपड़े क्या है खराब है, मैले कुचले, परेशान होकर वो दुआ करता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, अल्लाह ताला कहते हैं उसका खाना हराम का, पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसके पेट में जो गिजा गई हराम की है, अल्लाह उसकी दुआ कहाँ कबूल करे। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को ये हुक्म दिया हलाल खाओ, नेक अमल करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेक लोगों की सिफत बयान की, हमेशा अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला ने कहा हमेशा उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता है, अल्लाह की आयतों पर ईमान होता है, और अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में देते हैं उनके दिल के आए काम उठते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह के रास्ते में देने के बाद उनके दिल में डर क्यों आता है? क्या वो शराबी हैं, जिना करने वाले हैं, या अल्लाह के रास्ते में देने के बाद डरने वाले हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अल्लाह के नेक बंदे नेक अमल करने के बाद अल्लाह से डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जकात देते हैं, ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह के दरबार में कबूल होगा या नहीं होगा। ये अल्लाह की नेक बंदों की सिफत है। अपनी इबादत के अंदर गुरूर फख्र नहीं होता, जो भी अमल करते हैं उनके दिल के अंदर हमेशा अल्लाह का डर खौफ होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया जब काफिर मुशरिक की मौत आती है वो कहने लगता है रब्बी जियोन, ऐ मेरे रब दुनिया में वापस भेज दे, लाअली आमलु सालिहन, दुनिया में जाके नेक अमल करके आऊंगा, दुनिया छोड़ के आया, मेरे लिए एक मौका इनायत कर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला इन्नहा कलिमतुन वा काइलुहा, उसके जुबान से निकला हुआ जुमला वैसे ही रहेगा, क्योंकि मौत के बाद किसी को दोबारा दुनिया में आना नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त को पछताने के बजाय सुधर जाओ,
अल्लाह पर ईमान लाओ, अपनी जिंदगी को संवार लो, आखिरत के लिए मेहनत कोशिश करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जैसे ही उसको भूखा जाएगा सारे लोग कब्रों से उठेंगे। उठने के बाद उनकी हालत यह होगी आपस में कोई रिश्तेदार को नहीं देखेगा, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी और कोई आपस में बात नहीं करेगा, क्योंकि आखिरत का मैदान बड़ा हौलनाक मैदान है। वहां रिश्तेदारी ना काम आएगी, ना दोस्त और अहबाब काम आएंगे, ना कोई दोस्त किसी दोस्त से बात करेगा। जिसका नाम आमाल भारी होगा वो कामयाब, जिसका नाम आमाल हल्का होगा वो क्या है, जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। जहन्नम की आग क्या है, उनके चेहरों को झुलस देगी, भून देगी और उनका चेहरा बदसूरत बना देगी। यही लोग अल्लाह से कहेंगे ऐ हमारे रब, दुनिया के अंदर हमारी बदबख्ती हम पर वालिब आ गई, हमको दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे। दुनिया में हम जुल्म करने वाले थे, अल्लाह ताला कहेंगे फारक सौफिया और तुकल्लिमून, यहां आने के बाद जाना नहीं, इसी के अंदर जलील बन के रहो, मुझसे बात मत करो। कितनी बदनसीबी होगी जब अल्लाह ताला किसी से कह दे आज तू मुझसे बात ना कर, इससे बुरा इंसान कौन होगा। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाता है उसका चेहरा बदसूरत हो जाएगा, आग उसे जलाएगी और अल्लाह ताला उसे कहेंगे जलील होकर जहन्नम के अंदर रह और उससे कलाम बात ना कर। इसके बाद वाली सूरत सूरह नूर है। इब्तदाई आयतों में अल्लाह ताला ने चंद हुदूद का जिक्र किया। अगर कोई नौजवान मर्द या औरत बगैर शादीशुदा जिना करते हैं उसकी सजा क्या है, 100 कोड़े मारे जाएं। लोगों के सामने मुसलमानों का जो खलीफा होगा तमाम के सामने उनको 100 कोड़े मारने का हुक्म देगा। दोनों को 1 साल के लिए गांव से बाहर कर दिया जाए। अगर शादीशुदा मर्द औरत जिना करते हैं दोनों को पत्थरों से मार के उनको खत्म कर दिया जाए, इस्लामी शरीयत का कानून है। फिर बताया गया अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर बदकारी का जिनाकारी का इल्जाम लगाता है उसे 4 गवाह पेश करना है। अगर वो 4 गवाह पेश नहीं करता है तमाम लोगों के सामने खलीफा उसे 40-80 कोड़े मारने का हुक्म दे। ये बताने के लिए कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर माशरे के अंदर किसी औरत पर बहुतान लगाया जाता है, अगर वो गवाह पेश करता है ठीक है, गवाह 4 गवाह नहीं पेश करता है तमाम के सामने 80 कोड़े मारे जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला कहते हैं उसके बाद कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, ये समझा जाएगा ये बुरा आदमी है, बदकार है। फिर अल्लाह ताला ने बताया अगर शौहर बीवी पर जिना का इल्जाम लगाता है उसके पास गवाह नहीं है, खुद अकेला गवाह है, अगर कोई किसी पर इल्जाम लगाता है 4 गवाह होना चाहिए, यहाँ शौहर अपनी बीवी पर इल्जाम लगाता है उसके सिवा कोई और गवाह नहीं है, तो शरीयत कहती है दोनों को खादी के सामने खड़ा जाएगा, शौहर कहेगा 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर मैंने जो देखा है सच्चा है, 4 मरतबा कसम खाए, और 5वीं बार ये कहेगा अगर मैं झूठा हूं मुझ पर अल्लाह की लानत। इधर बीवी 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाएगी और ये कहेगी वो झूठा है, 5वीं बार ये कहेगी अगर वो सच्चा हो मुझ पर अल्लाह का गजब हो, दोनों को 5 बार कसम खा के हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। यह कानून है शरीयत का। उसके बाद अल्लाह ताला ने
हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया तफसीर के साथ बताया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बनी मुस्तलिक से वापस हो रहे थे, रास्ते में आपने पड़ाव किया, रात में आपने निकलने का हुक्म दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाजत के लिए गई, लश्कर वालों ने उनकी सवारी उनके खेमे के पास कायम किया। जब वह हाजत से आई उनका हार घूम पाया, उन्होंने ढूंढते हुए वापस चली गई। लोगों ने समझा कि सवारी के अंदर सवार हो गए, सवारी लेके चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जहां से आप रुखसत होते किसी को छोड़ के जाते, ताकि कोई साजो सामान छूट गया हो वापस लेकर आए। तो उस वक्त आपने सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को छोड़ा था, और रात में उन्होंने क़याम किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अपना हार ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, एक जगह आके बैठ गई। उनको मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। सुबह हुई, उन्होंने उसी जगह अपने हार को पाया। हजरत सफवान मैदान का जायजा लेते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। उन्होंने उनको देख कर इन्ना लिल्लाह पढ़ा, क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले देखा था। उनको यकीन हो गया ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा। उन्होंने अपनी सवारी उनके सामने पेश किया, उस पर सवार हो गई। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उनको लेकर मदीने के करीब दोपहर के वक्त पहुंचे। वहां मुनाफिकीन थे, उनका सरदार इस हरकत को देखकर इस वाक़े को देखकर फितना फैला दिया। उसने कहा ये दोनों का पीछा रहना क्या बात हमी सामने आती है। ये बात इस तरह फैल गई, इसके अंदर अच्छे अच्छे मुसलमान भी शामिल हो गए। तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों से कहा इस वाक़े को जो मुनाफिकीन ने मदीने के अंदर फैलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मुतहरा पर जो इल्ज़ाम लगाया, इसे तुम बुरा मत समझो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर इस नाहिया से कि अल्लाह तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शान में सूरह नूर के अंदर कई आयतें नाज़िल की, ये बेहतर नहीं तो क्या। अल्लाह तआला यही कहते हैं कि मुसलमानों को यह ख्याल करना चाहिए था ये बुरा नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है। फिर अल्लाह तआला ने मुसलमानों से कहा इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, तुमको ये पूछना चाहिए था चार गवाह पेश करो। किसी मुसलमान ने नहीं कहा, क्योंकि शैतान उनके ऊपर हावी हो गया था। फिर अल्लाह तआला ने उसे कहा था जब तुम लोगों ने इस बात को सुना अपने जुबान से तुमने ये क्यों नहीं कहा सुभानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, अल्लाह तो पाक है ये सरासर बुहतान है इल्ज़ाम। एक महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। अगर आपको गैब का इल्म होता आप फौरन बता देते, आपको गैब का इल्म नहीं था। एक महीने तक परेशान थे, तमाम की बातें सुन रहे थे। एक महीने के बाद सूरह नूर की 11 आयतें नाजिल हुई, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हुआ कि उनकी बीवी पर जो इल्ज़ाम लगाया गया सरासर बहतान इल्ज़ाम। इसी के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के खालाज़ाद भाई हज़रत मिस्ताह भी शामिल हो गए। वो गरीब थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु माहाना उनका ख्याल किया करते थे। जब यह आयत नाज़िल हुई उन्होंने कहा मेरी बेटी के इल्ज़ाम के अंदर मेरा भाई भी शामिल है। उन्होंने कहा माहाना जो मैं ख्याल करता हूँ उसे बंद कर देता हूँ। तो अल्लाह तआला ने उनका नाम लिए बगैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के शान में कहा जो फजीलत वाले हैं उनको ये नहीं चाहिए कि वो कसम खाए रिश्तेदारों को ना देने पर। अल्लाह तआला उनको फजीलत वाला बनाया, हैसियत वाला बनाया। उनको चाहिए कि लोगों के दरमियान भलाई करें, क्या वो नहीं चाहते हैं कि अल्लाह तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब ये आयत नाज़िल होती है
कहते हैं मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। उसके बाद उन्होंने हजरत मिश्ताक का जो माहाना ख्याल करते थे उसे जारी कर। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कि अगर कोई किसी के घर में दाखिल होना चाहता है पहली इजाजत तलब कर, उसके बाद सलाम करके अंदर जाना, बगैर इजाजत लिए सलाम किए घर में नहीं जाना, ये मना है इस्लामी कानून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सआद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए, उन्होंने सलाम किया, घर के अंदर से जवाब नहीं आया। घर में हजरत सआद बिन उबादा थे, उन्होंने सलाम का जवाब आहिस्ता दिया। फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किए, वो घर के अंदर आहिस्ता जवाब दिए, जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई नहीं दिया। तीसरी मरतबा उन्होंने सलाम किया, उन्होंने आहिस्ता जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया घर के अंदर नहीं है, वापस जा रहे हैं। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे, हजरत सआद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए और आपसे चिमट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने जुबान से मेरे घर वालों के लिए सलामती की दुआ कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप मुसलसल दुआ करते रहे ताकि आपकी दुआ हमारे घर वालों के लिए पहुंचती रहे, इसी वजह से मैंने आहिस्ता जवाब दिया। मुसलमानों की ये शान होती है। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर यही कहते हैं अगर हम किसी के घर को जाते हैं इजाजत तलब करना है, अगर इजाजत दी जाती है जाना, अगर घर के अंदर से आवाज आती है चले जाओ वापस जाओ। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा जाना बेहतर है, घर के अंदर लोगों को काम हो सकता है, मजबूरियत हो सकती है, तुम्हारे जिगरी दोस्त हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है कि मैं इसके घर के पास आया इसने मुझे जाने का हुक्म दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं चले जाओ, तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए बेहतर। फिर अल्लाह ताला उसके बाद मोमिन मर्दों के लिए औरत के लिए चलने के आदाब बयान फरमाते हैं। रास्ते में जाते हैं अपनी निगाह को नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने औरतों के लिए कहा कि उनका पर्दा होना चाहिए सर से लेकर पैर तक, अपने सीने को सर से लेकर ओढ़नी ओढ़ लेना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मर्दों से उनका पर्दा नहीं है, तफसीर के साथ अल्लाह ने बयान किया शौहर से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, ससुरे से पर्दा नहीं, बच्चों से पर्दा नहीं, मायदों बच्चे से पर्दा नहीं, भाई से पर्दा नहीं, भांजों से पर्दा नहीं, भतीजों से पर्दा नहीं, औरतों से पर्दा नहीं। ऐसे छोटे बच्चे जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा ऐसे मर्द जिनकी अकल कमजोर होती है पुख्ता नहीं होती है, उनके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं होती है, उनसे भी पर्दा नहीं, और घर के अंदर जो लौंडियां होती हैं औरतें होती हैं काम करने वाली होती हैं उनसे भी पर्दा नहीं। और आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं औरतें जब बाहर निकलती हैं उनके चप्पलों की आहट लोगों को नहीं सुनाई देना चाहिए। ये सारी इस्लामी तालीमात हैं। अगर औरत अपने घर से इन तमाम चीजों का लिहाज करते हुए जाती है अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाली है, अगर नहीं करती है अल्लाह उसके रसूल की नाफरमान होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो औरत बगैर सबक के घर से बाहर निकलती है शैतान उसका पीछा करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि हर घर के अंदर तीन पर्दे के औकात होते हैं, अगर कोई किसी के घर को जाता है वक्त का लिहाज रखना चाहिए। उन औकात के अंदर उनके घरों को जाने की इजाजत नहीं है। पहला वक्त क्या है? फजर से पहले का वक्त है, लोगों के आराम का वक्त होता है। ऐसे वक्त जाकर उन लोगों को खलल अंदाजी में मुबतला नहीं करना चाहिए। और दूसरा वक्त जोहर के बाद का वक्त होता है, ऐसे वक्त क्या है? लोग खाना खा के आराम करते हैं। तीसरा वक्त ईशा के बाद का वक्त है, लोग खाना खा के अपने बिस्तर पर आराम करते हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं किसी को जाने की इजाजत नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब बच्चे जवान हो जाए या बच्चे बालिग नहीं हुए हैं वो भी अगर किसी के रूम में जाते हैं इजाजत लेके जाना चाहिए, चाहे
माँ बाप का रूम हो या भाई बहन का रूम हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको चाहिए कि घर के अंदर या रूम के अंदर जाते हैं इजाजत तलब करके जाना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कि अल्लाह ताला नेक लोगों को जमीन का वारिस बनाते हैं। जिनके पास ईमान होता है, नेक अमल होता है, तो अल्लाह का वादा है कि उनको जमीन की हुकूमत अता करेगा। जैसा कि इनसे पहले लोगों को अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर इख्तदार हुकूमत दिया, अल्लाह ताला दो शब्द से बयान फरमाते हैं, एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ शरीक ना करें। अगर अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते हैं, दुनिया की हुकूमत उनको नहीं मिल सकती। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जब नमाज का वक्त होता है तिजारत उनको क्या है गफलत में नहीं डालते। इसी तरह ज़कात देने का वक्त आता है गाफिल नहीं होते हैं, जैसे ही नमाज का वक्त होता है उसको अदा करते हैं। ज़कात जब निकालते हैं उसके अंदर आगे पीछे नहीं करते हैं, उसके अंदर ज़रा बराबर भी गफलत नहीं करते, क्योंकि उनके दिल के अंदर आखिरत का डर होता है, खौफ होता है, इसका लिहाज करते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं और ज़कात देने वाले होते हैं। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला तमाम को नसीहत करते हुए कहते हैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, उनकी बात सुनना है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते हैं, आपकी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं किसी भी वक्त अज़ाब आ सकता है। अज़ाब की सूरतें अलग अलग हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे सर आंखों पर है, उसके अंदर मुखालफत नहीं करना चाहिए। इसके बाद वाली सूरत सूरह फुरकान। फुरकान कुरान का एक नाम है। फुरकान के माने क्या है? हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज। कुरान क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तफसीर के साथ बताया गया। पहली आयत के अल्लाह ताला कहते हैं तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी कुरान मजीद को नाज़िल किया। और यह कुरान वहीद क्या है? दुनिया वालों के लिए डरावा है। कुरान बताता है दुनिया क्या है, इसके बाद की जिंदगी आखिरत है, उसके लिए तैयारी करो। अगर हम कुरान पढ़ते हैं आखिरत की तैयारी हमारे सामने आती है, अगर कुरान नहीं पढ़ते हैं उस पर अमल नहीं करते आखिरत का तसव्वुर हमारे सामने नहीं होता। उसके बाद काफिरों ने एतराज़ किया अल्लाह के पैगंबर इंसान कैसे हो सकते, अगर ये पैगंबर होते हैं इनके आगे पीछे फरिश्ते होना चाहिए, इनके पास जन्नत का कोई खजाना होना चाहिए, इनके हाथ में सोने के कंगन होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो इनकार करने वाले किस किस्म की बातें कहते हैं। अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कहो मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ, अल्लाह ताला मुझे पैगंबर बना के भेजा है, मैं अल्लाह के दीन को उसके बातों को तुम तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया जहन्नम वालों को जहन्नम में डाला जाता है, जहन्नम की जगह उनके लिए तंग हो जाएगी, सारे जहन्नम वालों को वीडियो में जकड़ कर उनको दाखिल किया जाएगा, ये जहन्नम में जाएंगे वहाँ मौत की तमन्ना करेंगे, उसे कहा जाएगा आज मौत नहीं आएगी। वदू सुकून कसीरा मुख्तलिफ ज़्यादा मौत को पुकारो, हिलाकत को पुकारो, मगर मौत नहीं आएगी। तो वह आज के पारे के अंदर ये चंद आयतों का खुलासा पेश किया गया। अल्लाह की इज्जत से दुआ है कि हम तमाम कुरान पढ़ने उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।